हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज जा रहा हूँ सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए, जो कि आज मेरा ड्यू है। मैंने 15 तारीख को फर्स्ट डोसेज लिया था वैक्सीनेशन का, और आज 21st डे में मेरा सेकेंड डोज ड्यू है वैक्सीनेशन का, तो उसी के लिए आज मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन के लिए। मैंने जो वैक्सीन लिया था वो था स्पुतनिक वी, उसका फर्स्ट कंपोनेंट मैंने लास्ट मंथ लिया था, और आज उसका सेकेंड कंपोनेंट का डोसेज मेरे को लेना है, जो कि मेरा आज ड्यू है, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। और उसी के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि क्या है, कैसे है, कैसा लगता है, आगे कैसा महसूस होता है लेने के बाद, कुछ दिक्कतें आती हैं कि नहीं आती हैं, वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं कि नहीं करनी पड़ती हैं, ये सभी के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ मेडी सेंटर, और ये मेडी सेंटर के बाहर का एरिया है, और अभी मैं अंदर जाऊँगा। फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन है जहाँ पे मेरे को ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें कई सारे डिसीज़ के बारे में दिया हुआ है कि उनमें से कोई है कि नहीं है, और कोविड है कि नहीं है, और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो कि मेरे को फॉर्म दिया गया था, जो कि मैंने ये फिल आउट किया था। उसके बाद ये फॉर्म मैंने ले जा कर के रिसेप्शन पर दिया था विथ रिसिप्ट, जो कि मैंने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डोसेज जब मैंने रिसिप्ट जो किया था पेमेंट, उसका रिसिप्ट जो मेरे को मिला था, तो उसी टाइम पे दोनों डोसेज का रिसिप्ट मैंने लिया था, दोनों का पेमेंट मैंने किया था, तो वो रिसिप्ट मेरे को यहाँ पे शो करना पड़ा था अलॉन्ग विद दिस फॉर्म। तो उसके बाद उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया था, और उसके जस्ट बाद मेरे को वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने एक रूम में भेज दिया था। तो जब भी आप लोग रूम में वैक्सीनेशन के लिए जाएँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो वैक्सीन आपने फर्स्ट डोज लिया है, उसी वैक्सीन का ही आपको सेकेंड डोज दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही रूम के अंदर 2 से 3 वैक्सीनेशन के डोसेज वो लोग देते हैं, अलग अलग वैक्सीन्स वो लोग रखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वो लोग पूछते भी हैं, जो भी वैक्सीन आपने लिया है उसी का ही सेकेंड डोसेज आपको लेना है, ये आप लोग क्रॉस कन्फर्म ज़रूर करें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वैक्सीन लिया। ये दोनों जो लोग आपको दिख रहे हैं, इन लोगों ने मेरा हेल्प किया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मना किया गया था वीडियो शूट करने के लिए, बट इन लोगों ने मेरे रिक्वेस्ट को माना, और उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया कि, और मेरे को फिर वीडियो बनाने के लिए मेरा हेल्प भी किया उन लोगों ने, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर शूट कर पाया। और अभी मैंने वैक्सीन ले लिया, इसके बाद मैं यहाँ से, मेरे को बोला गया है कि कुछ देर के लिए आपको बैठना है बाहर, करीब 15 मिनट के लिए आपको वहाँ पे बैठना रहेगा रिसेप्शन के पास, जो वेटिंग एरिया है, तो अभी मैं वहाँ पे जा कर के बैठूँगा, और 15 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे ही सभी लोग बैठे हुए हैं, जो लोग, इन लोगों को वैक्सीनेट हो चुका है, ये लोग सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं हाफ एन आवर के लिए। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम या कुछ एलर्जी या इशू लगता है, तो वो लोग यहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली, इसी के लिए ये लोग यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं सभी लोग। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे सभी वैक्सीन्स के लिए अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, वैक्सीन्स के साथ डोसेज के लिए भी अलग अलग रूम्स बने हुए थे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, और ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डोज लेना है, कौन सा वैक्सीन लेना है, तो आप वहाँ पर्टिकुलरली जा कर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आराम से जाकर के डोसेज ले सकते हैं। इस भाई ने मेरा हेल्प किया था, और अब मैं निकल रहा हूँ वापस। मैंने टैक्सी बुक कर लिया है, जो कि अभी आता ही होगा, और इसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे को कोई दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ वैक्सीन लेने के बाद विद इन 24 आवर्स। मैंने जब फर्स्ट डोसेज लिया था, तो उसके टाइम पे मेरे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, स्पुतनिक वी में मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एक दिन थोड़ा सा जो एरिया जहाँ पे वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ पे थोड़ा दर्द रहता है, उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स वो भी ठीक हो जाता है, और किसी तरह का कोई सिम्टम या कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था मेरे को, फीवर भी नहीं आया था, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था मेरे को। और अभी देखते हैं अगर सेकेंड डोसेज के बाद कैसा रहता है, तो मैं वो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा इस वीडियो के आखिरी में। तो अब निकलते हैं। फ्रेंड्स, 24 घंटे हो चुके हैं, होपफुली मेरे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कल मैंने वैक्सीनेशन लिया था सेकेंड डोज ऑफ स्पुतनिक वी, बट मेरे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ इजी गोइंग हुआ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को।
आई एम नॉट प्रमोटिंग स्पुतनिक वी, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप स्पुतनिक वी लें या कोई और वैक्सीनेशन ही लें, बट मेरा कहना ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि एटलीस्ट आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर लें। हाँ, स्पुतनिक वी में और वैक्सीन से कम बोलते हैं लोग की प्रॉब्लम आता है, अदर वैक्सीन्स में बोलते हैं बुखार आता है, कुछ सिम्टम्स रहते हैं कई लोगों को, बट मेरे को स्पुतनिक वी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो वैक्सीनेशन ज़रूर लें, और वैक्सीन लेने के बाद ये नहीं सोचें कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अब आप लोगों को वैक्सीन के साथ साथ आप लोग बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, जो भी गाइडलाइंस है वो सभी चीज़ें फॉलो करें, ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलें, मास्क वगैरह ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें लोगों से, इन सभी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और If you like the content, please share, like, subscribe to my channel, and thank you. मिलते हैं अगले vlog में।